हे नागामी देव, नाग के शरीर का जहर उसे मिला हुआ सबसे बड़ा वरदान माना जाता है। दुर्भाग्यवश इस सपोली का जहर एक हादसे में नष्ट हो गया है। नाग प्रजाति के नियम अनुसार अपनी पुत्री के कल्याण के लिए इस सपोली के माता पिता उसे अपना जहर दान करना चाहते हैं। अनुमति ददातिम देवा। आज इस जहर दान के साथ साथ गिल्ली के माता पिता अपनी किन्हीं दो अलौकिक शक्तियों का 5 वर्षों के लिए त्याग करें। जहर अर्पण विधि शुरू करते हैं। अब तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता पिता का जहर प्रवेश कर गया है। रुकिए, क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? इच्छा, घर चलकर बात करते हैं ना बेटा। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। इच्छा तो नहीं पिताजी, ये वही माँ है ना जो अपनी बच्ची के लिए खुद आग में जलने को तैयार हुई थी, जो उसके लिए जान देने पर तुली हुई थी। जो माँ अपनी बच्ची के लिए अपनी जान दे सकती है, वो उसे अपना जहर क्यों नहीं दे सकती? नहीं दे सकती, क्योंकि जहर दान देने का मतलब अपनी आधी शक्ति खो देना है। कमजोरी आ जाती है और फिर हमारी उम्र बढ़ रही है, और इस बढ़ती उम्र में अगर जहर का दान दे दिया तो हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। माँ, आपको लगता है मैं आपकी इन बातों पर विश्वास कर लूंगी? इच्छा, तुम विश्वास करो ना करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई तो यही है कि इस उम्र में हम अपने जहर का दान नहीं कर सकते। और तुमने सुना नहीं, इस विधि में जहर दान के साथ साथ अपनी दो शक्तियों को त्यागना पड़ता है। हाँ, लेकिन 5 साल बाद वो वापस भी तो आ जाती है। और इन्हीं 5 सालों में अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई तो? नहीं, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। इच्छा, अरे कमाल की लड़की है यार ये, एक पल यहां होती है एक पल कहीं और। अरे कितनी बार कहा है इच्छा बताकर जाया करो, लेकिन नहीं। शिव जी, आपने वैसे ही लड़की का चैप्टर ना बहुत ही मुश्किल बनाया है। अरे बीजे में घुसे नहीं घुसता, और ऊपर से ये इच्छा ये चैप्टर तो बहुत ही मुश्किल है। इच्छा को समझना मतलब इम्पॉसिबल, खतरनाक चैप्टर है ये यार। ये चली कहां जाती है? अरे भाभी, अब इतना सारा भोज लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। ओहो बबल जी, आज बड़ा ख्याल रखा जा रहा है अपनी भाभी का। कपड़े वपड़े छोड़िए, सीधा मुद्दे पे आइए, क्या काम था? अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे कुछ काम वाम नहीं था। मुझे लगा मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, इसलिए मैंने पूछा। भाभी अब अकेली कितना काम कर लेती हो, घर में बाकी सब होके भी ना होने के बराबर है। अभी इच्छा को ही देख लो, फिर से गायब है। आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? दरअसल प्रॉब्लम उसके नाम में है। नाम में प्रॉब्लम? क्या मतलब? उसका नाम ही इच्छा है, जब उसकी जहाँ जाने की इच्छा होती है वहाँ चली जाती है। हाँ भाभी। एक बात कहूँ,
अभी अभी इच्छा की शादी टूटी है, उदास होगी, हमें उसे थोड़ा और टाइम देना चाहिए। अकेली होगी तो खुद को संभाल लेगी और फिर से हमारे साथ घुल मिल जाएगी। अरे भाभी लेकिन जाएगी कहाँ बब्बल जी, आ जाएगी, आप शांत रहिए। शादी टूटने का दुख इच्छा को हो ही नहीं सकता, वो तो कोई दिन रात ये प्रार्थना करती होगी कि शादी टूट जाए। प्यार तो वो मुझसे ही करती है ना यार, लेकिन फिर बात क्या है, पता करना पड़ेगा। आपको लगता है इच्छा हमारी बात पर विश्वास करेगी? पता नहीं, वो हमारी सपोली है, हमने सीने से लगाकर बड़ा किया है उसे, जितना हम उससे समझते हैं जानते हैं वो भी हमें उतना ही जानती है। मैं सब समझ रहा हूं सपली, लेकिन ये झूठ बोलने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हमने आज उसका बहुत दिल दुखाया, चाहे जो भी हो जाए हम उसे उसकी जिंदगी का राज नहीं बता सकते। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? इस राज को राज बनाए रखने के चक्कर में कहीं हम अपनी सपोली को ना खो दें। माँ, पिताजी किस राज की बात कर रहे थे आप? सिपली मुझे लगता है कि इच्छा को सच बताने का वक्त आ चुका है। नहीं आप क्या? सिपली बोलने दो मुझे, अपने दिल को संभालो इच्छा, आज जो मैं कहने जा रहा हूँ हो सकता है उसे सुनकर तुम्हें धक्का लगे, तकलीफ हो, हमारा दिल दुखे, लेकिन इच्छा जो सच्चाई है हम उसे नकार तो नहीं सकते ना। पिताजी आप बता भी दीजिए। ये उन दिनों की बात है बेटा जब तू 2 साल की थी, एक दिन अचानक तुमने जिद की के मुझे इंसानी बस्ती देखनी है। मैंने और सिपली ने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन बचपन की जिद, हम तुझे एक सुंदर से बगीचे में ले गए, मजा आ रहा है? सिपली वो देखो झरना। हाँ इतना सुंदर है, पानी ऐसे बह रहा है जैसे दूध बह रहा हो। वहां देखो वो पंछी, और वो देखो इंद्रधनुष। हम वहां की एक एक चीज महसूस करने लगे और फिर थोड़ी देर के लिए तेरा हाथ हमसे छूट गया। जब हमने उड़कर देखा तो तू वहां नहीं थी। इच्छा? इच्छा कहां गई? इच्छा? इच्छा? अबे यहीं पे तो थी। इच्छा? 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 एक पल के लिए हमें लगा हमारी दुनिया थम गई थी, हमें अपनी लापरवाही की सजा मिल चुकी थी, हमारी इच्छा खो गई थी। हमने जैसे तैसे मुखिया जी तक संदेशा पहुंचाया, नागिस्तान के सारे नाग तुझे ढूंढने में व्यस्त हो गए। फिर हमें पता चला तुझे एक सपेरे ने कैद कर लिया था। अब हम उस सपेरे तक पहुंचने की कोशिश में लग गए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर कैसे ढूंढा आपने मुझे? और पिताजी
इस कहानी का आपके जहर अर्पण से क्या? बहुत करीबी रिश्ता है सपोली, जिस सपेरे ने तुझे कैद किया था उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। उसने तुझ पर एक ऐसी विधि करने की कोशिश की जिससे तेरा नागिस्तान से हर रिश्ता टूट जाए और तेरी शक्तियों का लाभ उसे मिल जाए। लेकिन नाकुमीदे की कृपा से हम वहां ऐन वक्त पर पहुंच गए और तुम्हें उसे छुड़ा लिया, लेकिन तब तक उसके मंत्र असर कर चुके थे। तेरा और हमारा रिश्ता कमजोर हो चुका था, लेकिन जहां तक शरीर का संबंध है हमारा बंधन इतना मजबूत नहीं है कि जहर अर्पण जैसी विधि को झेल सके। अब अगर जहर पाने में कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ गुरुजी हैं। बाकू तू डरा दिया तूने मुझे। अच्छा तुम यहाँ कर क्या रही हो? वहाँ दुनिया तुम्हारे लिए परेशान है, दोनों घरों के लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम? मैं भी तो वही कर रही हूँ, मैं अपने आप को ढूंढ रही हूँ। मतलब? अच्छा तुम जिस काम के लिए नागिस्तान गई थी वो काम हुआ? दादा दादी से बात हुई? वो तुम्हें जहर दे रहे हैं ना? नहीं। क्यों? क्योंकि अरे तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुरुजी के पास जाओ। और वहाँ जाकर भी कुछ नहीं होगा वाकू, बस एक और बहाना सुनने को मिलेगा। मतलब? मेरे पिताजी ने जो भी मुझसे कहा है वो सब झूठ है। क्या? असली राज कुछ और ही है वाकू। वो दोनों अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। और ऐसे में मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वाकू, जिन माँ बाप ने हमेशा मुझे सच बोलने का संस्कार दिया आज वही मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझसे क्या छिपा रहे और क्यों? इच्छा मुझे लगता तुम कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई हो। नहीं वाकू मैं। इच्छा ये वक्त इन बातों का नहीं है, ये बातें हम बाद में करेंगे। तुम अभी गुरुजी के पास जाओ और अपने जहर का इलाज कराओ, वो ज्यादा जरूरी है। जरूरी तो मेरे सवाल भी है वाकू, मैं गुरुजी से वो भी पूछूंगी और इस बार जवाब लिए बगैर मैं लौटूंगी नहीं। ओम नागौमी देवाय नमः। ओम नागौमी देवाय नमः। गुरुजी बैठो। इच्छा जहर अर्पण की विधि आरंभ करनी। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ गुरुजी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बचपन में मेरे पिताजी के साथ कोई हादसा हुआ था या उन्हें कोई चोट लगी थी जिसकी वजह से वो? अच्छा शेषु ने तुम्हें उस हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया है? शेषु सच कह रहा है? अच्छा ऐसा एक हादसा हुआ था और उसी चोट की वजह से शेषु अपनी जहर देने की शक्ति खो बैठा है। इसका मतलब आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? नहीं इच्छा। हाँ आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि पिताजी के साथ कभी कोई हादसा हुआ ही नहीं था। उनके कहने के मुताबिक हादसा मेरे साथ हुआ था। खैर छोड़िए, मुझे पता है वो मुझसे झूठ ही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरी जिंदगी का ऐसा कौन सा राज है जो आप सब लोग मुझसे छुपा रहे हो? ठीक है आप मुझे सच नहीं बताना चाहते ना, मत बताइए, लेकिन मेरी भी एक जिद है, जब तक मुझे मेरी जिंदगी का राज नहीं पता चलता मैं जहर की एक भी बूंद ग्रहण नहीं करूंगी। नहीं अच्छा ऐसा बिल्कुल मत करना, एक नागिन का बगैर जहर के रहना खतरे से खाली नहीं होता है, और जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो मुझे वो जानना है और अब मैं खुद मुझसे जुड़े राज का पता लगाऊंगी, और जब तक मैं उसमें कामयाब नहीं हो जाती मैं जहर ग्रहण नहीं करूंगी। Thank you.
इच्छा। यार कभी कभी मुझे तुम पर शक होता है, ऐसे लगता है जैसे तुम इस घर के दरवाजे इस्तेमाल ही नहीं करती। ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे और नहीं तो क्या, अभी कुछ देर पहले मैं तुम्हें यहां देखने आया था लेकिन तुम यहां थी ही नहीं। और ऐसे हर बार होता है, जहां मैं तुम्हें ढूंढता हूं तुम वहां नहीं होती हो, जहां तुम होती हो वहां मैं। उफ, खैर छोड़ो, अभी तुम कहां थी? बबल जी एक बात बताइए, मेरे यहां होने ना होने की चिंता आपको क्यों लगी रहती है? मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो खो जाऊं। जानता हूं तुम बच्ची नहीं हो, इसलिए डरता हूं मैं, और तुम्हें खोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इच्छा तुम रो रही हो? मुझ पर कौन सी आफत आ गई है जो मैं रोऊंगी? मैं कुछ रो वो नहीं रही। नहीं, वो तुम्हारी आंखों में पानी है। वहम है आपका, मैं दिन भर बाहर थी, थक गई हूँ, इसलिए चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। थोड़ा आराम करूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन इस घर में मुझे कोई आराम करने दे तो ना। अच्छा, घर में सबको लगता है कि तुम शादी टूट जाने की वजह से दुखी, लेकिन मैं जानता हूं तुम बहुत खुश हो। तुम मयूरेश के साथ शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम्हारा प्यार मैं और मैं ही रहूंगा। तुम ना बोलोगी, मैं हां बोलूंगा। सच क्या हम दोनों जानते हैं, एक ही बात को बार बार कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी इच्छा। और हां, ये थकावट का बहाना किसी और को देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये आंसू थकावट के नहीं दर्द के हैं। वो दर्द जो तुम्हारी आंखों में है लेकिन मैं अपने दिल में महसूस कर रहा हूं। देखो इच्छा, मैं तुमसे तुम्हारे रोने की वजह नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे हर दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझसे अपना हर दर्द बांट सकती हो। और ये हक मैंने तुम्हें दिया है। आकू, कुछ पता चला? अच्छा, मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि कुछ तो है। जो भी है वाकू, पता लगाना होगा। लेकिन इसमें खतरा है, तुम्हारे पास ना तुम्हारी शक्तियाँ है ना तुम्हारा जहर, और बाहर कदम कदम के ऊपर दुश्मन घात लगाए बैठा है, तुम ऐसे कैसे? छोड़ ना वाकू, मैं क्यों सोचूं इस बारे में? इसकी चिंता माँ और पिताजी करेंगे, अब उन्हें तय करना है, उनके लिए अपना राज ज्यादा प्यारा है या उनकी बेटी।